ब्यावर शहर के सेंदा रोड से सराधना रिको क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट दर्ज की गई है। पैंथर के मूवमेंट की यह घटना रिको क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। रिको क्षेत्र स्थित एक औद्योगिक इकाई के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई घटना में पैंथर फैक्ट्री के बाहर बैठे कुत्तों पर हमला किया। इस दौरान पैंथर ने एक कुत्ते को दबोच भी लिया। आसपास कॉलोनियों में भी दहशत के कारण जिसके बाद आसपास ऐसे अन्य कुत्तों ने पलटकर पैंथर पर हमला किया, जिसके बाद पैंथर ने दबोचे हुए कुत्ते को छोड़ दिया और पैंथर वहां से चला गया। सीसीटीवी फुटेज में दर्ज घटना के बाद से लगातार इस क्षेत्र में पैंथर दिखाई दे रहा है। रोजाना रात के वक्त पैंथर की सेंदार क्षेत्र की पहाड़ियों से भोजन चहलकदमी औद्योगिक इलाकों में दर्ज की जा रही है। तलाश में नीचे आते हैं पैंथर रही है। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कई स्थानों पर गाय व कुत्ते काफी संख्या में है। संभवतया पैंथर भी इसी आसान शिकार की तलाश में यहां विचरण करता है। पैंथर के मूवमेंट की घटना के बारे में क्षेत्रवासियों ने सेंदरा वन विभाग को सूचित कर दिया है। वन विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर फिर से पैंथर के मूवमेंट दिखाई दे तो उन्हें सूचित किया जाए, जिसके बाद वन विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी। आसपास के लोगों ने बताया कि सराधना रिको क्षेत्र सेंदरा क्षेत्र की पहाड़ियों से सटा हुआ है। उस पहाड़ी पर काफी संख्या में पैंथर व भालू विचरण करते हैं। यह पैंथर भोजन पानी की तलाश में ही पहाड़ी से नीचे उतरकर औद्योगिक इलाकों में रात के वक्त मूवमेंट कर रहा है, जहां पर उसे कुत्ते व गाय आसान शिकार के तौर पर मिल जाते हैं। मालूम हो कि सेंदरा रोड स्थित सराधना रिको क्षेत्र के समीप कुछ गांव व कॉलोनियां विकसित हो चुकी है। पैंथर की मूवमेंट के चलते इस क्षेत्र के लोगों में काफी दहशत है। वाइल्ड लाइफ के लिए कार्य करने वाले क्षेत्रवासी कैलाश सिंह ने बताया कि अगर क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट बढ़ रही है तो वन विभाग को इस ओर गंभीर मूवमेंट लंबे समय बाद देखी गई है। फिलहाल से कदम उठाने चाहिए, अन्यथा मनुष्य व पैंथर के बीच संघर्ष की घटना घटित हो सकती है।